दोस्तों कैसे सब लोग दोस्तों, मैं अच्छे को बेटा सकते दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेशन है, और वो खतरनाक स्टेशन कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा इस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। तो भाई चलो पहले वीडियो को लाइक कर लेते हैं, सभी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई मैं इस तरह वीडियो डालता रहता हूँ और आपका भी मनोरंजन करता रहता हूँ। प्लीज़ सर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप दोस्तों यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर इस साइड मैं एक मतलब बाइक मंगा लेता हूँ। पहले बाइक मंगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कहाँ जाना है, कि वो क्या जगह है कहाँ, क्योंकि अपना जो एक स्टेशन है वो है कहाँ दोस्तों। चलो मैं आपको बताता हूँ वो स्टेशन है कहाँ। तो पहले आपको यहाँ पर देखो, पहले आपको बाइक ले लेनी है, कोई भी बाइक। और ये एक स्टोरी है दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ समझ लो। तो चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ पहले। तो स्टोरी है एक राइडर की। भाई एक राइडर रहता था, पहले एक राइडर रहता था, ठीक है। अब इसको राइडिंग इतना पसंद था कि ये बड़े बड़े स्टंट भी कर लेता था, और भाई वो इतना ज़्यादा भयंकर स्टंट करता है जो कि बंदे चौंक जाते इसका स्टंट देख के, कि भाई इसको मौत से भी डर नहीं लगता भाई, समझ लो इसको मौत से भी डर नहीं लगता। क्योंकि भाई ये बंदा इतने तेज गाड़ी चलाता है, और भाई गाड़ी चलाते चलाते ये कहाँ पर ले जाता है इतनी स्पीड में, कुछ भी नहीं पता भाई। ये बहुत तेज गाड़ी चलाता है ये बंदा, और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर देखना इसकी राइडिंग, आगे से देख लो भाई कैसे टेढ़े मेढ़े चला रहा है दोस्तों। यार इसकी राइडिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक राइडिंग है, और इसको नहीं पता कि यही राइडिंग इसकी मौत का कारण भी हो सकती है। और भाई यहाँ पर देखना भाई, राइडिंग तो मौत का कारण नहीं होती है भाई, ये मैं आपको बताता हूँ रुको। तो पहले आपको वीडियो पूरा फुल देखना, तभी तो स्टोरी पता चलेगा कि मैंने आपको बताया क्या है। देखो ये देखो भाई इसके स्टंट देखो, पहले आप इतने खतरनाक स्टंट कर रहा है ये बंदा, और भाई ये बिल्कुल भी नहीं डरता। और भाई ये देखना भाई, इतने ऊपर से बंदा गिरता है फिर भी इसको कुछ भी नहीं होता। देखो गाड़ी एकदम संभाल के चला रहा है, गाड़ी को खरोच कर रहे हैं यानी दी इसने, और अपन आप भी बच के रखा है। अब दोस्तों यार भाई इतनी तेज बढ़िया गाड़ी चलाता है, मतलब एक राइडर है ना, इसीलिए आपको पता होगा। अब दोस्तों ये बंदा बहुत जल्दी जल्दी उठा है, इसको पहले राइडिंग नहीं आता था, ये बचपन से इसको राइडिंग करना पसंद था, और इसी राइडिंग के कारण इतना ज़्यादा मशहूर हुआ है ये बंदा। और देखो भाई ये देखो, अभी देखो आपके सामने ये गिरा तो है, बट आपको लग रहा होगा कि भाई ये हार गया, मतलब जोखिम हो गया और जख्म खा गया होगा। नहीं, इसको अभी भी कुछ नहीं हुआ है, इसको सिर्फ भूत सवार है राइडिंग का। अब यहाँ पर देखो भाई ये क्या कर रहा है। अब इसके दोस्त का तो गोल आता है कि भाई रात हो गई है, जल्दी स्टेशन में पहुँचो, कोई बीमार है। तो देखो भाई, मतलब इसके चाचा बीमार है, ठीक है। अब ये कहता है चलो फिर मैं चलता हूँ जल्दी से इधर से, अब स्टेशन। अब भाई अब आपको यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब दोस्तों बात आई है स्टेशन की बारी। अब वो स्टेशन इतना ज़्यादा खतरनाक स्टेशन है, और वही स्टेशन है जहाँ पर ये बंदा जा रहा है। और ये देखो भाई ये वाली बाइक लेकर, और दोस्तों इसने बाइक चेंज कर ली है, क्योंकि भाई इसको पता है कि इसमें पेट्रोल खत्म हो चुका, तो इसने दूसरी बाइक ही ले ली। ये बंदा मतलब पेट्रोल नहीं डल पाता दोस्तों, बाइक ये बदलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इस साइड, और ये रहा इसकी बाइक, इतनी ज़्यादा बढ़िया, मतलब ये देखो इसकी राइडिंग देखो पहले आप, इतनी बढ़िया राइडिंग कर रहा है ये बंदा। और इस साइड देखो भाई, इसने टॉर्च भी जला के रखी हुई है, और अपने जो टायर ऊपर वाला उठा देता है, और भाई बहुत बढ़िया चला रहा है बंदा ये गाड़ी। और भाई देखो आप यहाँ पर ये बंदा आ जाता है पेट्रोल डलवाने, आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल टंकी पे रुक गया तो पेट्रोल डला रहा है, नहीं। अब देखना भी क्या करता है, पेट्रोल नहीं डलाता है, मैंने आपको बताया पेट्रोल नहीं, सीधा गाड़ी चेंज। अब मैं आपको बताता, अभी देखो ये रंग सफ़ेद है, और ये दूसरी गाड़ी है, और ये रही इसकी दूसरी बाइक। ये भाई पेट्रोल नहीं डलाने वाला, ये सोच रहा था कि भाई मैं कौन सी बाइक लूँ। तो यहाँ पर इसने एक बाइक सोच ली है। अब वो बाइक कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो बाइक कौन सी है, ये रही वो बाइक 1 2 3। तो यहाँ पर देख लो ये है बाइक, ये 3000 आप जैसे डायल कर लोगे आपको ये वाली कावासाकी निंजा देखने को मिल जाएगी। इसने इसको खारा रंग भी कर लिया, और इसको पसंद भी आ गई। चलो इसने भाई पेट्रोल नहीं डलवाया, बाइक बदल ली है, तो चलो इस बाइक को लेके चलते हैं स्टेशन पे। अब चलो भाई उस खतरनाक स्टेशन पे लेके चलते हैं, वो बहुत बहुत ही खतरनाक स्टेशन है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा मोड़ इसका, और इसकी राइडिंग देखो भाई, ये देखो भाई कैसे चला रहा है भाई बाइक। और देखो भाई सामने गाड़ी आ रही है, फिर भी ये है। अब आपको लग रहा होगा भाई फिर से बंदा मर चुका है, नहीं इसको कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भाई छोटे मोटे खरोच और ये सब छोट मोट ये इसके लिए कुछ नहीं, आम बात है, ठीक है। अब ये देखो भाई ये बंदा फिर से, वो इसके घर से फ़ोन आता है, भाई जल्दी कर कहाँ पर रहे, और ये बंदा बार बार जब मतलब जख्म हो रहा था। अब इसने भाई एक कार छीन ली एक बंदे की, क्योंकि भाई इसका गाड़ी जो डैमेज हो चुका है, अब इसने एक कार छीन ली बंदे की। अब यहाँ पर देखो
भाई रात हो रही थी, अब रात के चक्कर में 12 बज चुका है। यहाँ पर देखो ज़ॉम्बीज घूमने लग गए। अभी इसको नहीं पता कि ये ज़ॉम्बीज है, मतलब ये भूत है। जब ये बंदा उतरता है और सब इनको चेक करने देखता है कि मैं किसको टक्कर मार रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ, ये मुझे मारने आ रहे हैं। तो अब ये कि अब इस बंदे ने अभी इनको इनकी शक्लें नहीं देखी है, ये ऐसे इनको मार रहा है। अब देखना क्या होता है। अब ये बंदा जैसे ही बाहर निकलता है इस पे भूत हमला बोल देते, इसको पता चल गया ये भूत ही है। तो भाई ये बंदा जल्दी जल्दी फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ के इनको मारने लग जाता है। अब इसको पता चल गया तो अब ये इनको मारेगा। अब यहाँ पर ये बंदा स्टेशन की ओर जाने ही वाला था, यहाँ पर मुड़ जाता है, मतलब कोई गाड़ी इसकी आत्मा से गाड़ी खींच रही है। अब यहाँ पर देखो गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, ये बंदा राइडर है, ये कोई भी कार हो या बाइक बहुत स्पीड में चलाता है, आपको नहीं पता चलेगा, ये बहुत स्पीड में चलाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जितने भी ज़ॉम्बीज आ रहे, जितने भी भूत आ रहे हैं, ये सबको उड़ा दे रहा है गाड़ी से। देखो ये देखो भाई सबको कुचल दे रहा है, कोई भी नहीं बच पा रहा है, इतना डर रहा है कि भाई अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं खत्म, समझ लो। तो देखो इसकी गाड़ी का क्या हाल है, आपको लग रहा होगा भाई इसको और कुछ हो, बट नहीं, ये अपनी गाड़ी मुड़ा लेता है और भाई चढ़ा दो टायर से भी चला लेता है, क्योंकि भाई ये बंदा राइडर है। और अभी भी इसका ये देखो भाई ये चलाया टॉर्च, और ये देखो कैसे इनका सामना कर रहा है, इन भूतों का अकेले सामना कर रहा है, ये डर भी नहीं रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो भाई इतनी तेज गाड़ी चला रहा है ये बंदा, थोड़ा रुको। अब यहाँ पर देखो इस साइड ये देखो, अब भाई बस थोड़ा सा आगे स्टेशन दिख रहा है, अब जो अपना स्टेशन भी आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से देखना वीडियो, यहीं पर कहानी हमारी एंड मतलब बढ़िया बनेगी। देखो अब जो हमारा स्टेशन तो आ गया, अब स्टेशन आने के बाद अब वहाँ जो सीन होगा ना वो आप देख के जाना। पहले ये बंदा इतनी मुश्किलों से बचता है या फिर नहीं बचता है, ये तो आप देखते रहने जाना रह जाएंगे कि भाई कैसे मर गया ये। तो देखो ये बंदा यहाँ पर गाड़ी लेके आता है, ये रहा है सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेशन। इस ट्रेन में तो भाई बिल्कुल मत बैठना, ठीक है, और ना ही चलाना, इसमें बैठना मतलब मौत को दावत करना। ये बंदा रुक भी जाता है, जो कि चाचा इसका जो बोला बीमार है तो उसे बुला रहा है। अब ये बंदा जैसे ही नीचे उतरता है, उतरने के बाद इसके पीछे इतने सारे जितने इस भूत के जितने इस ट्रेन में मतलब बंदे मरे हैं सबके सब यहीं पर इस पर हमला बोल देते हैं, कह रहे हैं हम इसको भी भूत बनाएंगे जैसे हम बने हैं। तो देखो भाई ये भी इसको भी ज़ॉम्बी बनाने में सब लगे हुए हैं, जितने भी मतलब बंदे थे इस ट्रेन में बैठे थे इस सफ़र में, और ये देखो सबके सब भाई इसको बेचारे को मारने में लगे हैं, भाई भूत बनाने में लगे हैं। तो ये बेचारा बहुत कोशिश करता है बचने की, बहुत ज़्यादा इधर से उधर उछलता है, इनको मारता भी है दो तीन मुक्के, बट कुछ नहीं इनके असर पड़ते, बल्कि भाई इसी पे असर पड़ रहा है, क्योंकि भाई वो एक उनके वो एक भूत है और ये एक इंसान है, ये कुछ भी नहीं कर सकता भाई। तो ये देखो ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ तो बच जाऊँ, बट यार ये ऊपर नहीं चढ़ सकता, ये भूत ऊपर भी आ जाएंगे, ये कब तक चढ़ा रहेगा ऊपर, सिर्फ 4 या 5 सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं बस, आप देखना। अब भाई सामने ट्रेन थी, ये बंदा डर रहा था कि मैं ट्रेन में कैसे बैठूं, कैसे अगर वो थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो ख़त्म कर देंगे भाई भूत उसको। तो यहाँ पर देखो ये फिर यहाँ चढ़ता है, यहाँ चढ़ने के बाद अब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इस बार ये चढ़ जाता है भाई, इस बार ये बंदा चढ़ जाता है और इसको खुशी मिल जाती है कि हाँ भाई चढ़ गया। अब यहाँ पर देखो अब ये चढ़ के कर क्या लेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भूख प्यास नहीं लगेगी तो उसको नीचे उतरना पड़ेगा ही भाई, अब क्या करेगा बंदा। अब देखो भाई इससे के डर के हमारे ये बंदा पीछे पीछे की ओर जाता है, इनको देख जो ज़ॉम्बीज़ हैं नीचे जो भूत हैं उनको तो चेक करने के लिए पीछे पीछे जैसे ही जाता है, देखो इसके साथ क्या होता है। देखो भाई इतना पीछे आ जाता है कि पीछे देखता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ, ये देखो ये हो गया ना, कर दिया भाई गलत वाला काम। देखो अब गिर गया है बहुत ज़्यादा इसने, एक तो गाड़ियों से इतनी टक्कर खाई, अब यहाँ गिर गिर के टक्कर खा रहा है, बहुत ज़्यादा चोट खा रहा है ये बंदा। अब यहाँ पर देखो अब ये बंदा अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ना चाहता है कि मैं कैसे करके ट्रेन पर बैठ जाऊं। अब बंदे यहाँ पर देखो जैसे ही ये बंदा ट्रेन के अंदर बैठता है, यहाँ पर इसको आत्माएं जो ज़ॉम्बीज होती है उसको बाहर खींच के ले आती हैं और इसको बाहर फेंक देती हैं। अब ये ज़ॉम्बीज इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये बंदा बहुत जो मतलब पूरी कोशिश लगा दे रहा, देखो इतना अब ये बंदा इतने इनको गन से भी मारता, दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो ये बंदा पूरी कोशिश लगा देता है, उसके दोस्त का फोन आ रहा है और बार बार ये बंदा कट कर देता है। देखो जैसे ही ये ट्रेन में बैठता तुरंत ज़ॉम्बीज इसको नीचे उतार देंगे, देखना भाई। ये देखो ट्रेन तो स्टार्ट हो गई, इसको ये देखो भाई ज़ॉम्बीज है जो इसको नीचे उतार दे रहे हैं, मतलब इसको नहीं बैठने दे रहे, इसको बिना मारे पिए नहीं जाने वाले ज़ॉम्बीज। अब इसको भी अपनी तरह ज़ॉम्बीज बनाने में लगे हैं सब भाई। अब ये बंदा पूरी कोशिश करता है भाई, इसके पास गन्स में दिखाता है, ये इसने गाड़ी में क्या रखा था, गन्स रखा था,
और दोस्तों इसने अपनी गाड़ी में गन्स रखा था। अब ये गन्स ये रही एकेएम से मार रहा है बहुत मार रहा है एकेएम से। अब देखो भाई एकेएम से तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला, इतना एक बंदा मार रहा था पर कोई असर भी नहीं हो रहा है। तो देखो भाई कोई असर भी नहीं पड़ा। अभी ये पिस्टल भी कोई काम की नहीं है, पिस्टल भी कोई काम की नहीं है। तो इसने स्नाइपर लिया, स्नाइपर भी कोई काम की नहीं है भाई स्नाइपर। तो यहाँ पर देखो कोई भी असर नहीं पड़ रहा कोई भी। अब देखते हैं क्या होता है, ये बच पाता है या फिर इसकी भी मौत हो जाती है। तो स्नाइपर नहीं चला पा रहा भाई स्नाइपर। अब देखो अब बॉम्ब के चक्कर में देखना क्या होता है इसका। अब जैसे ये बंदा बॉम्ब फेंकता है अब ये खुद भी दब जाता है, वो एक्टिवेट खुद कर देता है दोस्तों, बट ये खुद दब जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये बंदा मर जाता है क्योंकि भाई इसने एक्टिव कर दिया और इसने ये देखा नहीं कि गाड़ी में चढ़ा था इसीलिए मर चुका हूँ।